राजधानी लखनऊ की रहने वाली हीना बानो ने छोटी सी उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आयरलैंड में भारत का इन्होंने मान बढ़ाया है। कौन है हीना, जानने के लिए सहयोगी फैज की एक खास रिपोर्ट देखिए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। जिसने भी कहा क्या खूब कहा, और शायद कहने वाले ने लखनऊ की हीना बानो जैसी लड़कियों को लेकर कहा हो। हीना बानो, एक तो छोटी सी उम्र, ऊपर से गरीब परिवार, बावजूद इसके इस लड़की ने अपने साथियों के साथ मिलकर भारत को गौरवान्वित किया है। 19 जून को आयरलैंड हॉकी प्रतियोगिता में हीना ने हिस्सा लिया था, और जब अब भारत लौट आई है पूरा परिवार गदगद है। भारत असीम आकांक्षाओं का देश है, भारत असीम संभावनाओं का देश है। भारत के युवा भारत की पहचान बने, इसी मूल मंत्र को लेकर आज भारत उन युवाओं को तलाश रहा है जिनके अंदर कुछ करने का हौसला है और यही भारत की पहचान बनते हैं। हीना, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रफ्तार मीडिया पर। बहुत शुक्रिया। हीना, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही, क्या पढ़ाई रही पहले? अभी तो मैं इंटर में हूँ, और जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पर मैं 8th क्लास में थी। अच्छा हीना, बचपन से क्या आपको लगता था, क्या हॉकी खेलना पसंद करती थी या और भी कुछ ऐसे गेम थे जो आपको खेलना पसंद था, या इसी को एम बना लिया था कि इसी में कुछ आगे करना है? नहीं, पहले स्टार्ट मैंने एथलेटिक्स से किया था, कि हमारे स्कूल की टीम जाती थी बाहर, तो हमारी टीम आगरा जानी थी, उस टाइम पे मैं एथलेटिक्स की थी। तो वहाँ पे एक कोच थे अभिषेक करके, तो उनने वो हॉकी की टीम लेके गए थे। जब उनने मेरी रनिंग देखी तो उनने मुझे बुलाया और बोला कि बेटा तुम्हारी रनिंग अच्छी है, तुम हॉकी खेलो। पर मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, प्राइमरी में थी, तो फिर बाद में मैंने जब जूनियर में गई मैं, उसके बाद मैं देखती रहती थी, तो फिर मैंने जाके उनसे बोला कि सर मुझे भी खेलना है, तो फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया वहाँ से। अच्छा हीना, जानना चाहेंगे कि खेल से आप जुड़ी रहीं, आपने पढ़ाई भी किया, तो घर वालों का कितना सपोर्ट? मैंने सुना आपके नाना नहीं चाहते थे कि आप हॉकी वगैरह खेलें, लड़कों की तरह बाहर निकले इस तरीके से, तो एक घर में बंदिश का भी माहौल रहा, तो उसको किस तरह से आपने कोशिश किया, कौन लोग आपके सपोर्ट में रहे? नहीं, मेन चीज़ ये था कि जब मैं बहुत छोटी थी, तो हम मुंबई में रहते थे, जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पे नाना और नानी हमें यहाँ लेके आ गए थे, यहाँ पे रखते थे मतलब। तो जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था, तब तो जब मना नहीं किया था, मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी एक बार, तब घर में मैंने बताया नहीं था, मैंने झूठ बोल दिया था कि मैं साइकिल से गिरी हूँ, पर ये बात नाना को पता चल गई थी, तो नाना ने मुझे मारा भी था और डांटा भी था कि लड़की जात है, बाप भी नहीं है, कल को कुछ होता है तो हम ही देख रहे हैं, कोई घर वाले भी सवाल हम ही से उठाएंगे, तो बस इसलिए मामा और नाना लोग डर गए थे। पर उसके बाद भी मैंने खेलना नहीं छोड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था कि करना ही है कुछ ना कुछ, अगर किया है तो। फिर भी मैं छुप छुप के खेलती थी, तो जब ज़्यादा ही देख लिया कि अब नहीं मानेगी लड़की, तो फिर सबने, मामा ने, बड़े वाले मामा लोग ने बोला कि हाँ जाने दो, फिर नाना ने भी बोला कि अगर खेलना ही है तो छुप के नहीं खेलो, क्योंकि कोई गलत काम नहीं कर रही हो, देश के लिए खेलना चाह रही हो तो तुम जाओ। फिर छोटी सी उम्र में ही हीना के सर से पिता का साया उठ गया, और शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत हो कि पिता का साया उठना कितनी बड़ी बात होती है। परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा, अर्चने हजार आईं, पर जिसके माथे पर ऊपर वाले का हाथ हो, फिर मुश्किलें भी उसे पार नहीं पाती। हीना ने मेहनत की, परिवार का साथ मिला, और जो मुकाम आज इन्होंने हासिल किया है वो इनके नाना के आंसू बया कर रहे हैं। मैं उसको रोकता था पहले कि ना खेले है कि, लेकिन जब नहीं मानी बिटिया हमसे, हमारी उसकी माँ बताती थी कि अब्बा ये नहीं मान रही है, खेलेगी। दो एक बार मैंने मारा भी कि लड़की जात है, कौन शादी ब्याह करेगा, हाथ पैर कहीं टूट टाट गया, लेकिन नहीं मानी। जब बिटिया भी हमसे जीत करने लगी कि नहीं अब्बा खेल रही, नहीं मानती, रो रही, तो हमने कहा अच्छा उसको खेलने, तो फिर उसकी किस्मत में हॉकी लिखा है तो हो सकता है आगे बढ़ जाए। हीना की माँ ने बताया कि पति की मौत के बाद उन्होंने मोमोज बनाए, छोटा मोटा काम किया, ताने सुने, पर बेटी को पढ़ाया लिखाया, और आज कामयाबी इनके कदमों में है। हमने बहुत दुख उठाया, बहुत परेशानी उठा के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर उसके बाद हमने उनको मना भी किया कि हाँ कि ना खेलो, फिर भी खेलती रही, और हम डर रहे थे कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, यानी सब सब में दिल दौड़ता रहता कि क्या अभी कोई कुछ भी कहे, तो इसलिए हम नहीं खिलाना चाहते थे, लेकिन ये खेलती रही
तो हमने अब्बा से बताया चुप्पे से, हम कहने खेल ले, मान नहीं रहे। तो अब्बू बोले खेलने दो, जब मान नहीं रहे खेलती है तो खेलने दो, उसका हौसला है हाँ कि खेलने तो खेलने दो, मना मत करो, पढ़ाई भी लेकिन करो साथ साथ, तो खेलो भी। कहते हैं दिल में अगर जज्बा हो तो मुकाम हासिल हो ही जाता है। इस मुश्किल घड़ी में हिना ने अपने नाना के यहाँ रहकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि जिससे पूरा परिवार खुशी से झूम उठा है और हिना के वतन वापसी पर घर में एक अलग खुशियों का माहौल बना हुआ है। लखनऊ से रफ्तार मीडिया के लिए फैज की रिपोर्ट।